हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई। यदि आप लोग आई को अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो को देखते जाइए, इसमें आप लोग को पूरा समझ में आएगा। इसमें आई में मुख्य रूप से तीन लेयर होती हैं। आई में मुख्य रूप से तीन लेयर होती हैं। पहला, आपको ये स्क्लेरा दिख रहा होगा, ये आउटर लेयर, और ये मध्य लेयर, कोरोइड और रेटिना। जिस प्रकार हमारा पूरा बॉडी हाथ, नाक, मुंह, कान, पैर से अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है, तो ठीक इसमें भी कुछ सहायक अंग होते हैं जिनसे मिलकर के यह आई बना हुआ होता है। जिसमें ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा होगा, ऑप्टिक नर्व, देखिए विट्रस मेम्ब्रेन, विट्रस जेल है ना, ये सिलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट, आयरिस, प्यूपिल, एक्वस कॉर्निया। ये सारे चीज़ों के बारे में आप लोग को डिटेल से जानने का मौका मिलेगा, वीडियो को देखते जाइए। इन सभी पार्ट से मिलकर के यह आई बना हुआ है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहले जो बाहरी लेयर है उस लेयर के बारे में जानेंगे। आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा स्क्लेरा। देखिए स्क्लेरा क्या है? एक फाइब्रस लेयर है जो कि आंख की संरचना के सबसे बाहरी लेयर है। इधर दोनों तरफ ये पाया जाता है। देखिए आँख की संरचना का सबसे बाहरी लेयर है स्क्लेरा, ठीक है? ये फाइब्रस लेयर होती है। अब इसके बाद देखिए, आप लोग गौर से जरा देखिए, यह जो फाइब्रस लेयर है आगे की ओर देखिए, दोनों तरफ आगे की ओर देखिए, यह एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बनाती है। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बना रही है। देखिए इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है, ठीक है? यह पारदर्शी होती है जबकि यह स्क्लेरा पारदर्शी नहीं होती है। तो इस प्रकार इसको स्क्लेरा कहा गया, इस पारदर्शी मेम्ब्रेन को। उसके बाद चलिए हम लोग इसके मध्य लेयर, दूसरे लेयर के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से। देखिए यह आई को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई के बारे में जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है? अब देखते जाइए, ये जो मध्य लेयर है आप लोग को यहाँ जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये कोरोइड लेयर है। ये चारों ओर देखिए, यहाँ पर से यहाँ तक ये ब्लू कलर, नीचे भी ये दिखाई दे रहा है। देखिए यह कोरोइड स्तर है, अपेक्षाकृत यह स्मूथ लेयर है। यदि हम लोग इस स्मूथ लेयर, इस कोरोइड लेयर को आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो यह एक जगह क्या हो जाता है? देखिए ये थिक लेयर बनाता है। यहाँ देखिए ये थिक लेयर बनाया है, इसी का क्या नाम है? इसी थिक मसल का नाम है सिलियरी मसल है, ठीक है? ये सिलियरी मसल किसका अग्रस्त फॉरवर्ड पार्ट है? यह कोरोइड का फॉरवर्ड पार्ट है। इसके बाद आप लोग को डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा होगा, इस जो सिलियरी मसल है उसके अग्रस्त पार्ट में एक फिब्रस संरचना बन जाता है। फाइब्रस मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। यह सस्पेंसरी लिगामेंट देखिए, इस जो लेंस है, ये जो लेंस दिख रहा होगा, इसको इसको दोनों तरफ से पकड़ने में मदद करते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट दोनों ओर है, देखिए ये भी है सस्पेंसरी लिगामेंट। अब इसके बाद देखिए अगला अगला आप लोग को ये आयरिस दिख रहा होगा। आयरिस को जानेंगे अब। देखिए ये आयरिस आयरिस जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, यही फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक दोनों साइड की ओर संरचना बनाती है। देखिए यहाँ पर उस सॉरी ये वाला डायग्राम देखिए, जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये उभरा हुआ एक संरचना, एक मिनट देखिए, ये उभरा हुआ संरचना को देखिए, ये आयरिस, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना? ये आयरिस है, देखिए ये आयरिस है, उभरी हुई संरचना है। अब इसको जानने के बाद चलिए हम लोग कुछ आंतरिक लेयर के बारे में जानते हैं। आंतरिक लेयर यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा, ये रेटिना जो है आंतरिक लेयर है, ठीक है? इसी में इमेज फॉर्मेशन होता है। रेटिना में ही ये देखिए जो पिंक कलर का दोनों ओर दिखाई दे रहा है, यह कौन सी लेयर है? रेटिना लेयर। इसी में रोड सेल एंड कॉर्न सेल होते हैं। जब लाइट अंदर इधर से लेंस से होते हुए आता है तो इसी रेटिना में पड़ता है, इस रेटिना में पड़ता है, सॉरी यहाँ पार हो गया ही डायग्राम, इसी रेटिना में पड़ता है लाइट, जिसके कारण इमेज फॉर्मेशन होता है। इसी के कारण इमेज फॉर्मेशन होता है। ये लाइट आता है, लाइट
आता है, अंदर कर जाता है, फिर इस रेटिना में टकराता है जहाँ रोड सेल एंड कॉन सेल लगे हुए होते हैं। इन रोड सेल एंड रेटिना इस पिंक कलर में है ना, पिंक कलर में लगे होते हैं जहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखिए और कुछ कुछ डायग्राम छूट जा रहा होगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये पीपिल देखिए, ये पीपिल कौन सा पार्ट है? यह पीपिल दोनों आयरिस के मध्य पार्ट है, दोनों ओर के आयरिस का मध्य पार्ट है जहां से लाइट होकर के पास होकर के गुजरता है। उसके बाद आप लोग को यह लेंस दिख रहा होगा स्पष्ट, यह कौन सा लेंस है? यह लेंस देखिए, ये लेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यह लेंस उत्तल लेंस है, ठीक है, इसी से होकर प्रकाश गुजरता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा एक्वस, यहाँ देखेंगे एक्वस दिख रहा होगा, देखिए एक्वस, यहाँ एक्वस दिख रहा होगा और यहाँ विट्रस दिख रहा होगा। दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही जेल लाइक संरचना है, लेकिन जो ये आंतरिक ये विट्रस है ये ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा है, जबकि ये एक्वस पतला द्रव्य है, विट्रस गाढ़ा द्रव्य है आई का, ठीक है, इतना हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोग जानेंगे अब यहाँ कुछ और संरचना है, ठीक है, देखते जाइए। अभी हम लोग जानेंगे ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा ब्लाइंड स्पॉट, देखिए यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट पाया जा रहा है, ये ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर का जो ये अंदर का पार्ट है ये ब्लाइंड स्पॉट है। यह ब्लाइंड स्पॉट कौन सा पार्ट होता है? रेटिना का वह पार्ट होता है जहां पर रोड सेल एंड कॉर्न सेल एब्सेंट होते हैं, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोग को ऑप्टिक नर्व दिख रहा होगा, ऑप्टिक नर्व दिख रहा होगा यहाँ, ये ऑप्टिक नर्व, ये सारे सेंस को ग्रहण करने के बाद इसी ऑप्टिक नर्व के माध्यम से फिर कहाँ पहुंचा दिया जाता है? इस सिग्नल को ब्रेन में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, कहाँ? ब्रेन में, ब्रेन के ऑप्टिक लोब में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, ब्रेन BRAIN है ना, BRAIN आप लोग लिख लेंगे, ब्रेन में पहुंचा दिया जाता है जिससे हम लोग को इमेज दिख पाता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट करके ये अच्छे से इसका डायग्राम बना सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं।